नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सहायक शिक्षक के ज्वाइनिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हां, फोन कॉल के माध्यम से किया जा रहा चयनित को सूचना। जिन साथियों का जिस जिले में चयन हुआ है, जैसे नारायणपुर का प्रेस विज्ञप्ति कल जारी हुआ है, तो जिन साथियों का चयन हुआ है उनको फोन कॉल के माध्यम से सूचना दिया जा रहा है। सहायक शिक्षक के जितने भी चयनित साथी हैं, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है सहायक शिक्षक वाले साथियों के लिए। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 25 सितंबर को सहायक शिक्षक को दिया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, तो इसी तारतम्य में फ़ोन कॉल के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी से फ़ोन के माध्यम से चयनित साथियों को सूचना दिया जा रहा है। और आप अपने आईडी पासवर्ड से भी चेक करते रहें साथियों। देखिए, फोन कॉल से जो सूचना प्राप्त हो रही है, इनकी जानकारी हमें अपने ग्रुप से मिल रहा है, क्योंकि जिन साथियों को फ़ोन कॉल आ रहे हैं उनके माध्यम से हमें सूचित किया जा रहा है कि सर, हमें फ़ोन कॉल आया हुआ था और सूचना दी जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि आपका ज्वाइनिंग जो है, सूचना ज्वाइनिंग के पहले दी जा रही है कॉल के माध्यम से, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। साथियों, इसी को लेकर बहुत सारे साथियों द्वारा कहा जा रहा था कि जो लेटर वायरल हुआ है वो फेक लेटर है, तो ऐसा अभी तक जो है सुनने में नहीं आया है, क्योंकि 18 से 20 घंटे का समय बीत चुका है और अभी तक जो है किसी भी तरीके से ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि वो जो लेटर है वो फेक होगा। क्योंकि फेक लेटर होता है तो इससे जुड़ा हुआ जो है संशोधन या फिर इसमें आदेश भी जो है जारी हो जाता है विभाग द्वारा। अगर फेक रहता तो विभाग द्वारा जो है संशोधन, इसमें जो आदेश है स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाता। लेकिन जहां तक बातें निकल कर आ रही है, जैसा कि फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं साथियों को, तो उसके हिसाब से यही कहा जा सकती है कि अभी जिस डेट पे या जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ साथियों, वहाँ तक अभी की स्थिति में अभी तक हम इसको फेक करार नहीं दिख सकते, क्योंकि फ़ोन कॉल के माध्यम से सूचना भी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये सत्य ही है। और आज 23 है, 25 तारीख की स्थिति में यदि इन लोग का ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पर, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ज्वाइनिंग की कि कैसे ज्वाइनिंग होगा इन लोग का, तो जैसा कि नोटिफिकेशन में साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो देखिए, कई साथी ये सोच रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में छात्र चयनितों को उपस्थित होना है, तो ऐसा नहीं है भाई। वहाँ चीज़ें आप स्पष्ट पढ़िए, यदि आपको कॉल आ रहा है ठीक है, तो वहाँ आप क्लियर कट बात कीजिए कि सर, हमें ज्वाइनिंग लेटर के लिए वहाँ पर जाना होगा या फिर कैसे मिलेगा हमको ज्वाइनिंग। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री भूपेश बघेल जी द्वारा जो है वितरण प्रदान किया जाएगा। वितरण करने के लिए वहाँ अधिकारियों की, नोडल अधिकारी की भी वहाँ ड्यूटी लगा दी गई है, तो उनके हाथों मिल सकता है। मुझे लगता है कि आपको उस जिले में जाना हो सकता है जिस जिले में आपका नाम आया हुआ है, जिस जिले में आपका चयन हुआ है। तो इसके लिए जैसे ही आपके पास कॉल आता है साथियों, तो आप बिल्कुल, कॉल आएगा तो आप ये चीज़ें अवश्य पूछिए कि हमको वहाँ जाना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए या क्या है, ठीक है। तो यही सूचना इस वीडियो के माध्यम से देना था। आप हमेशा अभी आने वाले कुछ दिन में अपने मोबाइल में बिल्कुल मोबाइल को पकड़े रहें, कभी भी आपके पास कॉल भी आ सकता है, और आप अपने आईडी पासवर्ड से जुड़े रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।